बीजेपी में टिकटों का इंतजार अभी खत्म नहीं हो पाया है। देर रात तक दिल्ली में लिस्ट जारी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से कुछ सीटों पर पेच फंसना बताया जा रहा है। वहीं धर्मशाला में पूर्व किशन कपूर समर्थकों ने बगावती शोर दिखा दिए हैं। देर रात हुई नारेबाजी के बाद दांडो ग्राउंड में किशन कपूर के समर्थकों ने सख्ती प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कपूर के समर्थन में नारेबाजी की और कहा कि संगठन किसी भी सूरत में पैराशूटी उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं करेगा। यही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो संगठन पैराशूटी उम्मीदवारों को जिता कर दिखाएगा। धर्मशाला में इस सख्ती प्रदर्शन के बीच मीडिया से मुखातिब होते हुए किशन कपूर ने कहा कि अभी किसी की भी टिकट फाइनल नहीं हुई है, पार्टी की अंतिम सूची का इंतजार है। उन्होंने इस शक्ति प्रदर्शन को पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बताया। आज जो रैली का आयोजन किया जा रहा है, बैठक की जा रही है, इसके पीछे क्या मकसद है? देखो, चुनावों की घोषणा हो गई है और बैठकें तो हर रोज हो रही हैं हमारे गांव में, और चुनावों की घोषणा हुई है तो ऐसी ऐसी बैठकें तो होती हैं। तो धर्मशाला से अभी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ भाजपा की? सूची का इंतजार कर रहे हैं, जैसे सूची आ जाएगी उसी के बाद निर्णय होगा। अभी तक तो कोई सूची आई नहीं। वैसे तो आपने अपना एजेंडा कई बार डिस्कस किया, लेकिन कोई खास आपके एजेंडे में इस बार जो रहने वाला है? नहीं, हमारा एजेंडा तो जो कार्यकर्ताओं पर होता है, और लोकतंत्र में जनता जो है उसी का निर्णय होता है। जैसे सोशल मीडिया की ओर से अब भाई आ रही है कि धर्म कई किस्म की फैलाई जाती हैं, आती भी रहती हैं। अगर खुदा न खास्ता मान लिया जाता आपका नाम डिक्लेयर नहीं होता टिकट के लिए, तो अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, अभी तो भविष्यवाणी ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। और कोई सवाल? सर, आप जो बैठक होगी उसका आपका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बैठक कार्यकर्ताओं के साथ होगी, कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठ के जो भी निर्णय होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, जैसे अफवाह मात्र है, ऐसी अफवाहें आती जाती रहती हैं। जब तक सूची डिक्लेयर नहीं होती तब तक अफवाह। शक्ति प्रदर्शन के बाद भाजपा मंडल धर्मशाला के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी एक सुर में कहा कि किशन कपूर के अलावा उनको कोई भी उम्मीदवार स्वीकार नहीं है। उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा हाईकमान को चेताया है कि अब भी समय है कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में किशन कपूर ही भाजपा का चेहरा हो और उनके अलावा कोई अन्य चेहरा उन्हें मान्य नहीं है। अगर फिर भी हाईकमान उनकी बात को नहीं मानता है तो किशन कपूर को उम्मीदवार घोषित नहीं करता है तो किशन कपूर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और उनके समर्थन में पूरा भाजपा मंडल धर्मशाला खड़ा है। संगठन किसी भी सूरत में पैराशूटी उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं करेगा। यही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो संगठन पैराशूटी उम्मीदवारों को जिताकर दिखाएगा। अभी हमें विश्वास नहीं है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड ऐसी गलती करेगी। इतना बढ़िया नेता आप पूरे देश में नजर दौड़ाए, कोई भी एक रत्ती या एक चिंता है जो हमारे ऊपर हाईकमांड में बैठेंगे वो इस चीज को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और हम अभी भी विश्वास करते हैं कि वो गलती नहीं करेंगे। ये देखिए, आप सब हम मैं 5 मिनटों में इकट्ठे हो गए, क्यों? वो इंसान एक सच्चाई का, एक ईमानदारी का, एक अच्छाई का प्रतीक है। हम सब इनके 20 साल का कार्यकाल सियासत बहुत बड़ा होता है, एक भी गलती इन्होंने की हो कोई नहीं कह सकेगा कि श्री कृष्ण कपूर कभी भी कहीं किसी चीज पे चूके हो। तो आप और हमारे मन में ये विश्वास है, साहस है, हम गलत नहीं करेंगे। और एक निवेदन, अब हम जब जाएंगे कोई ऐसा शब्द न कहें कि किसी और को चुभे, इनके साथ हम हैं, जो निर्णय लेंगे सोच के, समझ के, संयम से, और ये विश्वास है हम इनके साथ रहेंगे, ऐसा इंसान नहीं होता। लेकिन इस वक्त जो संगठन कहा जा रहा है कि संगठन ज्यादा प्रभावी रहा और संगठन वालों ने किसी की नहीं सुनी। जो संगठन के जो आदमी धर्मशाला में हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं वो हमारे सामने पैदा हुए हैं, उनको भी जान लाना चाहिए कि संगठन तभी है जब हम लोग और आप कार्यकर्ता हैं, तभी संगठन है।
जब कांग्रेस ने टिकट दिया था सुधीर शर्मा जी को तो हम सभी कहते थे कि बार का अब वही गलती हमारी हमारे जो संगठन वाले वो कर रहे हैं, हमारे ऊपर वाले पदाधिकारी और पार्टी के जो बड़े लोग वो कर रहे हैं। अगर बाहर के आदमी का हम विरोध करते रहे आज तक तो आज हम किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे? क्या धर्मशाला में कोई लायक आदमी नहीं? और अगर हमारी आवाज को मान लिया गया और यहाँ से जैसा हम चाहते हैं वैसा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम किशन कपूर जी के साथ हैं और आजाद वो इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी टिकट देती है तब भी नहीं देगी, तब भी देगी। आज सुबह जब मैं और अब जो हमें सुनने में आ रहा है कि किसी पहाड़ी आदमी को इसका यहाँ का उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है, तो क्या ये धर्मशाला की जनता बर्दाश्त करेगी? हमारे एक ही निष्ठावान ईमानदार नेता है जिनका नाम है श्री किशन कपूर जी, जो हमारे दुख सुख में हर वक्त काम आए हैं। और आज किसी बाहरी आदमी को यहाँ पर हमारे सिर पे बिठा दिया जाता है, क्या हम ये सहन करेंगे? नहीं। क्या ये हम सहन करेंगे? नहीं। क्या हमको इसका जवाब देना चाहिए? उधर सोशल मीडिया पर कपूर के पक्ष में टिप्पणियों का दौर भी शुरू हो गया है। जाहिर है कि धर्मशाला सीट पर सोशल मीडिया में पहले उमेश दत्त और फिर इंदु गोस्वामी का नाम सामने आया, जिससे गुस्साए कपूर समर्थकों ने बगावती सुर दिखा दिए हैं। किशन कपूर को टिकट मिलती है तो भी और नहीं मिलती है तो भी वह 20 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे।